हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल फैंटासी ट्रिक। मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ टीम कंपैरिजन, पिच रिपोर्ट, टीम स्ट्रेंथ, टीम वीकनेस, प्लेइंग 11, टीम स्ट्रक्चर, प्लेयर रिसेंट परफॉर्मेंस, प्लेयर वेन्यू रिकॉर्ड्स, ग्रैंड लीग पिक एंड ग्रैंड लीग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की गाइस। सो बने रहे इस वीडियो में। IPL 2022 का नेक्स्ट मैच यानी सेवेंथ मैच जो कि लखनऊ और चेन्नई के बीच में होने वाला है, जो कि आपको देखने को मिलेगा गाइस 31 मार्च को 7:30 बजे ब्रैबर्न स्टेडियम पे ये मैच खेला जाएगा। जानेंगे इस वीडियो में एवरीथिंग अबाउट पिच रिपोर्ट या फिर रिसेंट मैच इन दिस IPL। उसके बाद जानेंगे दोनों टीम्स के प्रीव्यू के बारे में और साथ में जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोनों टीम के कंपैरिजन के बारे में। तो बिना किसी देरी के गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस सबसे पहले अगर बात करें पिच रिपोर्ट की, तो ये जो पिच है ब्रैबर्न स्टेडियम जनरली जो है वो बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को यहां पर सपोर्ट करता हुआ दिखता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। ये कारण ये है कि यहां पर ड्यू फैक्टर देखने को मिलता है, इस वजह से यहां पे बॉलर्स और बैट्समैन दोनों ही डोमिनेट करते हैं। वही बात करें अगर पिच के बाउंड्री की, तो बाउंड्री यहां पे छोटा है जिसके वजह से बैट्समैन जो है यहां पे कुछ ज्यादा डोमिनेट होते हुए नजर आते हैं। बैट्समैन को ज्यादा पुश मिल जाता है कि वो अच्छे शॉट्स लगा पाए। हाँ, इस साल जो यहां पे पहला मैच हुआ था जो कि IPL सीजन 15 का सेकेंड मैच था और जो दिल्ली कैपिटल वर्सेज मुंबई इंडियंस था गाइस, उसमें हाई स्कोरिंग मैच हुआ था बट चेजिंग करने वाली टीम ने उसे वॉन किया था। तो आइए जान लेते हैं उसी मैच के बारे में, यानी IPL के सेकेंड मैच जो इस पिच पर हुआ है, इससे पहले पहला मैच, उसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं कि वहां पर विकेट फॉल्स कैसे हुआ था। तो यहां पर अगर देखें कि पहला मैच जो इस पिच पर हुआ था दिल्ली कैपिटल वर्सेज जो मुंबई था, उसमें फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर 5 विकेट्स गिरे थे, जिसमें से पेसर ने यहाँ पर 5 विकेट लिया था और स्पिनर का यहाँ पे खाता भी नहीं खुला था। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें गाइज, तो यहाँ पर पेसर ने 4 विकेट लिए थे और वहीं स्पिनर ने 2 विकेट यहाँ पर लिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में गाइज आपको बताता हूँ कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर जो है वो गेम में आ जाता है, मतलब सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर डोमिनेट कर सकता है। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे भी आपको उस तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दोनों इनिंग की बात करें हम, तो दोनों इनिंग मिला के टोटल 11 विकेट गिरे, जिसमें से 9 विकेट पेसर ने लिया और 2 विकेट स्पिनर ने लिया। बट हियर आई एक्सपेक्ट दैट दिस मैच विल बी हाई स्कोरिंग बट नॉट फॉल ऑफ विकेट लाइक फर्स्ट मैच 2020, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत स्ट्रांग रीजन है जो मैं आपको इस दोनों टीम के कंपैरिजन के बीच में आपको बताऊंगा। गाइस आज हमारा एनालिटिकल एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देखते हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर ले, ताकि मैं जब भी इन फ्यूचर वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए बात करते हैं अब टीम कंपैरिजन की और साथ में ये जानते हैं कि क्यों यहां पर जो है ये मैच हाई स्कोरिंग तो होगा बट यहां पर विकेट जो है वो उस तरीके से नहीं गिरने वाला है। तो गाइस टीम कंपैरिजन एक ऐसा हथियार है जिसको समझे बिना ग्रैंड लीग जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज का मैच जो कि लखनऊ वर्सेस चेन्नई नहीं है, बल्कि ये आज का मैच जो है वो केएल राहुल वर्सेस जडेजा है। तो आइए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर नजर रखते हुए हम टीम कंपैरिजन करते हैं। दोनों टीमों के अगर टॉप ऑर्डर की बात यहां पर करें, तो CSK के पास खिलाड़ी तो अच्छे हैं बट आउट ऑफ फॉर्म है। वहीं लखनऊ के पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन लाइक केएल राहुल, क्विंटन डीकॉक एंड एविन लेविस अवेलेबल है। वहीं मिडिल ऑर्डर में CSK की टीम लखनऊ की टीम से स्ट्रांग नजर आती है। CSK के पास यहां पर देखें तो रविंद्र जडेजा और MS धोनी जैसे दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज अवेलेबल है। तो वहीं अगर बात करें लखनऊ के पास मनीष पांडे, दीपक हुड्डा और कुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म। भले ही दीपक हुड्डा पिछले मैच में स्कोर अच्छा कर लिया हो, फिर भी ये ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो हर मैच में कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर सके। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो लखनऊ के पास आवेश खान, दुश्मन चमीरा और रविचंद्रन अश्विन जैसे इनफॉर्म बॉलर अवेलेबल है। तो वहीं पर CSK की टीम में एक खिलाड़ी डेरेन ब्रावो और दूसरा रविंद्र जडेजा दिखाई देता है। तो टीम कंपैरिजन में हमने पाया कि लखनऊ सुपर गिगंट्स के ये मैच विनिंग करने के मैक्सिमम चांसेस हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं गाइस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को, यानी प्लेइंग 11 को। तो यहाँ पे देख ले गाइस चेन्नई सुपर किंग के प्लेइंग 11 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और इसमें गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मोइन अली विल बी प्लेइंग गाइस। तो इनके सारे स्टैट्स जानेंगे, पर उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात गाइस शेयर करनी है आपसे कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है और कॉमेंट आता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, यानी वो हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च करके ज्वाइन करने जाते हैं तो वहां कोई और फेक चैनल जो है वो उनसे ठगी करते हैं, पैसे डिमांड करते हैं टीम प्रोवाइड करने के नाम पर। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लेकिन कमेंट में जो पिंड कमेंट है उसी लिंक के थ्रू जाए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं वहीं पर आपको फाइनल रोटेशंस, फाइनल जीएल पिक्स जो होते हैं या फिर जो भी जीएल रोटेशंस वगैरह होता है, और साथ में फाइनल टीम जो मैं लाइनअप के बाद आपको प्रोवाइड करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड काम नहीं है। अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है दैट मींस वो मैं नहीं हूं गाइस, ट्रस्ट मी, कोई चार्ज नहीं आपको लगते हैं, तो आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। मैं आपको कुछ इसका इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं कि कैसे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अगर आपको ये इंस्ट्रक्शन पता है तो आप इसको स्किप करके वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा है, आप डायरेक्ट वहां पर स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये सारा प्रोसेस पता है। लेकिन हमारे किसी भी वीडियो को अगर वॉच कर रहे हैं तो वीडियो के यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ दिख जाएगा ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, telegram.me/logicalfantasytrick। दूसरा जो तरीका है गाइस, यहाँ कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में आपको यहाँ पर जो कमेंट दिख रहा है इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ये टेलीग्राम ऐप है गाइस, यहाँ ऊपर आपको सर्च का आइकन दिख जाएगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है @ लगा के logicalfantasytrick। जैसे आप सर्च करेंगे गाइस आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है यूज़र नेम का यहाँ पे, और स्पेलिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए जो फेक चैनल्स है उसके। लास्ट में यहाँ देख सकते हैं आप किसी में डबल एस है, किसी में डबल के है, किसी में ट्रिपल एस है। ये है हमारा मेन ऑफिशियल चैनल जिसपे लगभग 2500 के आसपास सब्सक्राइबर है गाइस। ये सब्सक्राइबर काउंट जो है बढ़ भी सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस यूज़र नेम को क्लिक करके ही आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है गाइस। अब बात करते हैं वीडियो में आगे गाइस। तो सबसे पहले प्लेयर जो यहां पर है गाइस सीएसके के, वो है ऋतुराज गायकवाड़। बहुत ही कंसिस्ट प्लेयर है गाइस, इंपैक्ट वाले नॉक खेलते रहते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के सीरीज में ये परफॉर्म नहीं कर पाए और लास्ट मैच में भी ये डक आउट हो गए। अगर इनके आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें गाइस तो 23 मैच में इन्होंने टोटल 839 रन बनाए हैं 44 के एवरेज के साथ। लास्ट अगर 5 मैच की बात करें तो 2 बार ड्रीम टीम के हिस्सा रह चुके हैं। लास्ट मैच जो इन्होंने खेला जो कि इसी आईपीएल में, उसमें ये जैसा कि मैंने आपको बताया डक आउट रहे। बड़े प्लेयर है गाइस, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बड़े प्लेयर है तो बड़े प्लेयर कब तक परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इस मैच में इनके हाई चांसेस है कि ये बैक कर पाए और अच्छा परफॉर्म करे गाइस। अब नेक्स्ट प्लेयर हमारे पास है गाइस दीवॉन कॉनवे। इनकी बात अगर करें तो 2018 के बाद इसने आईपीएल नहीं खेला है, लेकिन रिसेंटली इनफॉर्म प्लेयर है, इंपैक्ट वाले प्लेयर है, कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं। लेकिन इनके ड्रीम टीम का आंकड़ा जो बता रहा है, जैसा कि आपको मैं नोटिस करवाऊं गाइस, यहां पे 69 पॉइंट देके ये एक बार ड्रीम टीम के मेंबर रहे हैं, उसके बाद 2 बार जो है ये फ्लॉप रहे हैं, 2 बार ड्रीम टीम में नहीं रहे, फिर यहां पे चौथी बार जो है 105 पॉइंट देके ड्रीम टीम के मेंबर हैं, फिर उसके बाद जो एक मैच हुआ उसमें ये नहीं। इसका मतलब ये जो रेशियो है ना, 2 का जो गैप आ रहा है यहां पे, तो मुमकिन है कि ये नेक्स्ट मैच में भी फ्लॉप कर जाए गाइस। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये लॉजिक लगाना है, उसके बाद आपको देखना ये है कि जिस टीम में आप आवेश खान को ले रहे हैं उसमें आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्लेयर की बात अगर करें गाइस, तो यहां पर हमारे पास है रॉबिन नुथप्पा, राइट हैंड बैट्समैन है गाइस। इनके अगर आईपीएल करियर की बात करें तो 194 मैच में यहां पे 4750 रन इन्होंने बनाया है 27 के एवरेज के साथ। रिसेंट मैचेस की बात करें गाइस तो लास्ट के 5 मैचेस में 4 बार ड्रीम टीम के हिस्सा रहे, काफी कंसिस्ट प्लेयर है गाइस। और अच्छी बात यह है कि इनफॉर्म प्लेयर है और बैटिंग पिच का एक जबरदस्त खिलाड़ी है, और लास्ट के 4 मैच में जैसा कि मैंने आपको बताया ड्रीम टीम का हिस्सा भी रहे हैं, लेकिन अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। तो हो सकता है कि इस मैच में अच्छी पारी खेल जाए, सेकेंड इनिंग में बैटिंग है तो आप इसे वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन लॉजिकली मैं कहूंगा कि आप इसे ड्रॉप कर दें। अब अगले प्लेयर गाइस यहां पे मोइन अली है, जो कि पहला मैच नहीं खेल पाए थे, इत्तेफाक से इनको वीजा नहीं लगा था इनका, लेकिन इस मैच में ये खेलेंगे। तो इनके आईपीएल रिकॉर्ड को एक झलक में देखें जरा, 34 मैच में इन्होंने 666 रन दिया है 22 के एवरेज के साथ, साथ में यहां पे 16 विकेट भी लिए हैं। आईपीएल के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन रिसेंटली इनके परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे हैं।
ये लास्ट के चार मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे पॉइंट्स दिए हैं और दो बार लगातार ड्रीम टीम के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी बन चुके हैं गाइज। बड़ा प्लेयर है और चार नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और इनके इस मैच में हाई चांसेस है कि ये बॉलिंग भी करे क्योंकि सामने वाली टीम में जो है पांच नंबर तक थ्री राइट हैंडर प्लेयर है गाइज वो जो कि खेल रहे हैं, तो इस नाते हो सकता है कि ये बॉलिंग करे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स है तो वहां पे राइट हैंड बैट्समैन को ये अच्छा बॉल फेंकते हैं, तो ये इस नाते मस्ट हैव पिक रहेंगे। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो रिसेंटली दो मैचों में ये कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रह चुके हैं, तो मे बी पॉसिबल कि इस मैच में ड्रीम टीम का मेंबर रहे या वो भी ना रहे। अगर फर्स्ट इनिंग में इसकी बैटिंग आती है तो इसे आप अपनी टीम में प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात यहां पर गाइस करें तो यहां पे है रविंद्र जडेजा जो कि आईपीएल करियर के 201 मैच में 2412 रन दिए हैं 27 के एवरेज के साथ, साथ में यहां पे 127 विकेट लिया है गाइस। रविंद्र जडेजा सीएसके के कैप्टन भी है, रिसेंटली इनफॉर्म प्लेयर है, टेक्निकल बैट्समैन है गाइस और लास्ट के पांच मैच में ये चार बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रह चुके हैं और साथ में अपने कोटे का चार ओवर पूरा बॉलिंग कराते हैं, तो ये एक मस्ट हैव पिक रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तो आप इसे अपनी टीम का कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको टॉप ऑर्डर से सिर्फ दो प्लेयर लेने होंगे सीएसके के। अब अगले प्लेयर गाइस यहां पे है महेंद्र सिंह धोनी, द हार्ड हिटिंग बैट्समैन गाइस, मैच इनिंग नॉक खेलने के माहिर, रिसेंटली इनफॉर्म प्लेयर है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत नीचे है और हमेशा तो टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं होगा जो इतना नीचे वाले बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी मिले कुछ बड़ा करने का। सो गाइस जिस टीम में आप सीएसके के टॉप ऑर्डर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाए उसमें इसे ना रखे, जिस टीम में आप रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाए उसमें जरूर पिक करें क्योंकि रिकॉर्ड इनका अच्छा है। यहां पे देख ले तो लास्ट के पांच मैच में तीन बार ड्रीम टीम के मेंबर रहे हैं, लास्ट मैच में भी इन्होंने अपना आईपीएल के पहले मैच में इनका धमाकेदार परफॉर्मेंस हुआ था। आईपीएल करियर का रिकॉर्ड इनका जाने तो 221 मैच में 39 के एवरेज के साथ 4796 रन ये बनाए हुए हैं। अगले प्लेयर की बात करें गाइस तो यहां पर है शिवम दुबे, इनका आईपीएल करियर अगर देखें 25 मैच में 402 रन दिए, 21 के एवरेज के साथ 4 विकेट यहां पे लिए हैं। बैटिंग बहुत नीचे है गाइस और बॉलिंग भी कुछ खास नहीं है, लास्ट मैच में भी ये एक ओवर कराए थे लेकिन 11 रन पड़ गया था और एक विकेट भी नहीं ले पाए थे, सिर्फ 7 पॉइंट्स मिले थे, तो आप इसे इजीली यहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। अगले प्लेयर है गाइस यहां पर मिशेल सैंटेनर, इनकी बात अगर करें गाइस तो बैटिंग तो नहीं आएगा लेकिन बॉलिंग ये 4 ओवर कराता है, तो एज ए बॉलर आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए जिसमें आप सीएसके के बैट्समैन को कैप्टन बना रहे हैं तो आप इस कंडीशन में इसे अपनी टीम में प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि तब रन का प्रेशर नहीं होगा और बैट्समैन इसके बॉल को हिट करने जाएंगे तो मे बी ये विकेट लेके चले जाए। ऐसे भी यहां पे गाइस देख सकते हैं लास्ट के 4 मैच में अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, 4 बार ड्रीम टीम के मेंबर रह चुके हैं और लास्ट मैच में भी 4 ओवर पूरा अपने स्पेल का बॉलिंग फेंकते हैं, एक विकेट भी लिया था, तो इस हिसाब से आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। अब अगले प्लेयर गाइस यहां पर डेविन ब्रावो, डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर कहे जाते हैं, विकेट टेकर बॉलर कहे जाते हैं गाइस, आईपीएल के करियर में इसने 153 मैच में 170 विकेट ले रखे हैं, रिसेंट 5 मैच में भी इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं 4 बार ड्रीम टीम के मेंबर रह चुके हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स दिए हैं। लास्ट मैच में भी गाइस इन्होंने 3 विकेट लिया था, टोटल 4 ओवर कराए थे और मात्र 20 रन दिए थे और चूंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं तो ये मस्ट हैव पिक रहेंगे, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो इसके एक विकेट लेने के चांसेस बनते हैं। अब अगले प्लेयर गाइस यहां हमारे पास है एडम मिलन, इनकी बात अगर करें गाइस तो आईपीएल के करियर में 9 मैच इन्होंने खेला है जिसमें 7 विकेट लिए हैं, बॉलिंग तो लाइन लेंथ पर करते हैं गाइस लेकिन उतना विकेट टेकिंग नहीं है और इसके ओवर भी कट जाते हैं, तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि लास्ट मैच में भी आप देख लें यहां पे सिर्फ 2 ओवर इन्होंने कराया था। अगले प्लेयर गाइस यहां पर है तुषार देश पांडे, चेंज ऑफ पेस के माहिर बॉलर है गाइस लेकिन विकेट टेकर नहीं है, पिछले मैच में भी इन्होंने 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं ले पाया था, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो सिलेक्शन परसेंटेज इसका कम गया है, सो फैंटेसी लॉजिक के अकॉर्डिंग गाइस मे बी ये ड्रीम टीम का मेंबर बनता हुआ दिख जाए। तो गाइस बात अगर करें एलएसजी की लखनऊ सुपर गैंट्स के प्लेइंग 11 की यहां पे तो सबसे पहले प्लेयर यहां पे देखने को मिलते हैं गाइस केएल राहुल, इंडिया के मोस्ट कंसिस्टेंट बल्लेबाज और विकेट कीपर सेक्शन में इससे बढ़िया खिलाड़ी नहीं है, रिसेंटली एक्टिव नहीं है क्योंकि लास्ट मैच में ये नहीं चल पाए थे पर फिर भी रिसेंट परफॉर्मेंस इनका देखे तो लास्ट के 4 मैच में ये 3 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे हैं और आईपीएल करियर की बात अगर करें तो 23 मैच में
टोटल 839 रन इन्होंने बनाया है 44 के एवरेज के साथ। इनके चलने के चांसेस वहां हाई होते हैं जहां सीएसके की टीम के साथ जिसका बॉलिंग लाइनअप वीक होता है गाइस, और कैप्टेंसी के सेफ चॉइस भी है तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। अगले प्लेयर है गाइस यहां पर क्विंटन डी कॉक, इंपैक्टफुल प्लेयर है गाइस एंड जनरली ही प्लेज गुड इनिंग्स, बट रिसेंट के 3 मैच में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट उससे पहले 2 मैच में ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे। अगर आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें इनकी तो 78 मैच में 2263 रन 31 के एवरेज के साथ बनाए हैं यहां पर। और वैसे भी सीएसके की टीम में मोइन अली जैसे खिलाड़ी अवेलेबल है जो इसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं, तो जिस टीम में आप मोइन अली को रखें उसमें क्विंटन डीकॉक को ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे ओपनर है तो अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन रुक रुक कर अगर खेले तब, और अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तो आप इसे कैप्टेंसी के अच्छे कंटेंडर मान के चल सकते हैं गाइज। अगले प्लेयर है गाइज यहाँ पे एविन लेविस, बैटिंग विकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं और इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस के साथ हमेशा अपनी इनिंग्स खेलते हैं। अच्छी बात यह है कि ये 3 नंबर पर खेलने आते हैं और लेफ्ट हैंडर है, तो यहां इसके परफॉर्मेंस करने के हाई चांसेस है। लेकिन रिसेंटली 5 मैचेस में इनको अगर देखें तो काफी अच्छा परफॉर्म नहीं किए। हाँ, ये और बात है कि 2 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे हैं। वहीं आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें तो 22 मैच में यहां पे 551 रन 27 के एवरेज के साथ बनाए हैं। सीएसके का बॉलिंग लाइनअप वीक है तो मे बी पॉसिबल है कि एक बड़ी पारी खेल जाए। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तो आप इसे अपनी टीम में कैप्टन जरूर बनाए गाइज। प्लेयर यहां पे है गाइज करुणाल पांड्या, 5 नंबर पर आते हैं, लेकिन ये अपने स्पेल का 4 ओवर बॉलिंग कराते हैं। लास्ट के 5 मैचेस में यहां पे 2 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रह चुके हैं। लास्ट मैच में भी 63 पॉइंट देके ये ड्रीम टीम के मेंबर रहे, 1 विकेट भी लिए थे, तो मुमकिन है कि इस मैच में भी ये अपने स्पेल का बॉलिंग कराए, तो आप इसे अपनी टीम में प्रेफर करें। लेकिन आपको उस टीम में इसे प्रेफर करना है जिसमें आपको लगे कि जो LSG है यानी लखनऊ के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो आउट हो सकते हैं जल्दी, यानी आप इसे उस टीम में रखें जिसमें आप लखनऊ के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ड्रॉप कर रहे हैं। अगले प्लेयर जो है वो है आयुष बदानी, अंडर 19 के बहुत बेहतरीन प्लेयर है, श्रीलंका वाले सीरीज में भी काफी अच्छा परफॉर्म किए थे और अपना डेब्यू इसी बार आईपीएल में इन्होंने किया है। पहले मैच में ही अर्धशतक यहां पे जड़ दिया है 131 के स्ट्राइक रेट के साथ, 78 पॉइंट दिए थे, ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे थे। लेकिन 7 नंबर पर यहां पे बैटिंग आते हैं तो हर मैच में अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल सकता, और पिछले मैच में चूंकि इनको अपॉर्चुनिटी मिला था टॉप ऑर्डर जो है वो क्लैप्स कर गया था, तो ये अपना अच्छा पारी खेल पाए थे। लेकिन हर बार तो टॉप ऑर्डर क्लैप्स नहीं करता है, तो आप इसे इस बार जो है अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पे गाइज आवेश खान, अच्छे प्लेयर हैं, ऐसे पिच पर जहां स्टार्टिंग के ओवर में बॉल स्विंग करती है, विकेट टेकिंग बॉलर है वहां। अपने आईपीएल करियर में इन्होंने 18 मैच में 9 रन और 30 विकेट यहां पर इन्होंने लिया है गाइज, देख सकते हैं। लास्ट के 5 मैचेस में अगर देखें तो 1 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे हैं यहां पे। ये बॉलिंग सेक्शन में मस्ट हैव पिक हो सकते हैं और फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आए तो आप इसे कैप्टन भी बना सकते हैं। लेकिन जिस टीम में आप इसे कैप्टन बनाए उसमें से सीएसके के टॉप ऑर्डर को जरूर ड्रॉप करें। अगले प्लेयर है यहां पर मोहसिन खान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है यहां पे, पिछले मैच में 2 ओवर बॉलिंग इन्होंने कराया था और 18 रन दिए थे, 1 विकेट नहीं ले पाए थे। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगले प्लेयर की बात अगर करें तो यहां पर रवि बिश्नोई है, लेग स्पिनर है गाइज, एक बढ़िया विकेट टेकर बॉलर है, अपने कोटे का 4 ओवर पूरा भी करते हैं, हर मैच में 1 विकेट तो ले ही लेते हैं गाइज, और अगर इसकी टीम ने स्कोर अच्छा कर लिया तब ये 1 से ज्यादा विकेट भी लेके जा सकते हैं। आप उस टीम में इसे जरूर ट्राई करें जिसमें आपने कैप्टन राहुल को बनाया है, और लास्ट मैच में देखें तो ये 4 ओवर फेंके थे क्योंकि लास्ट के 5 मैच में ये 3 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रह चुके हैं। अब अगले प्लेयर की बात करें तो यहां पर है दुश्मनता चमीरा गाइज, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं गाइज, चेंज ऑफ पेस के लिए जाने जाते हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने 2 विकेट यहां पर लिया था, 3 ओवर फेंके थे, और लास्ट के 5 मैच में देखें तो 1 बार ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे थे गाइज। और सीएसके की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी वीक है तो अगर फर्स्ट इनिंग में ये बॉलिंग आए तो आप इसे अपनी टीम में कैप्टन भी बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इसके कैप्टन बनाने के साथ आपको वाइस कैप्टन कंसिस्ट प्लेयर को बना के रखना है। उम्मीद है गाइस आपको ये मेरा एनालिटिकल वीडियो पसंद आया होगा, एंड वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि किसी भी पेड टीम के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज वो मैं नहीं हूं। जहां आपको पेड दिखे वो मैं नहीं हूं गाइस, आई वांट टू सर्व यू फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा बस यही मोटो है। तो बस पेड के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, और जब भी मेरे टेलीग्राम पे आपको जाना है तो मेरे लिंक के थ्रू ही जाना है, या फिर आपको एग्जैक्टली वहां पे देखना है कि कौन सा यूजर नेम है, एकदम एग्जैक्ट वही यूजर नेम है तभी आपको उसमें ज्वाइन करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई विल सी यू the next one. Bye-bye.